हेलो फ्रेंड्स एंड ईयर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड यूजेज ऑफ क्लास वन ए एंटी एरेडमिक एजेंट्स और इस वीडियो में हम लोग क्लास वन एंटी एरेडमिक एजेंट्स के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स लाइक क्विनिडीन प्रोकेनामाइड और डाइसोपैरामाइड के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को और उनके यूजेस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर भजन शुक्ला चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जो आज के हमारा एजेंट है दैट इज़ क्विनिडीन और ये एक क्लास वन एंटी एरेडमिक एजेंट है जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्लास वन ए मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वोल्टेज गेटेड वाले और ये ड्रग्स जो होती हैं थोड़ी सी मॉडरेट मार्क टू मॉडरेट एक्शन शो करती हैं हमारे फेज़ ज़ीरो ऑफ़ एक्शन पोटेंशियल ठीक और ये जो ड्रग है इट इज़ समटाइम्स हम कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ड्रग जो कि सिंकोना बाग से पाई जाती है जैसे कि हम क्यूनिन प्राप्त करते थे सिंकोना बाग से सिंकोना बाग का ऑफिशियल नेम है uh, सिंकोना ऑफिसनेलिस ठीक तो वहां से हम इसके उसके बाग से इस प्लांट के बाघ से जो है हम एक एल्कोलाइड के रूप में क्यूनिडीन को प्राप्त करते हैं सिंपली अगर हम कहें अगर इसके स्ट्रक्चर को देख करके बात करें तो जो क्विनिन है उसी का डाइस्टीरियोमर है हमारा क्यूनिडीन uh, क्यूनिडीन और क्यूनिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा बदलाव है ये जो तीन लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको सी एच सी एच टू ग्रुप दिख रहा है ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस रिंग सिस्टम के ऊपर और ये जो हाइड्रोक्सिल मिथिन ब्रिज है हमारा इस पर जो ओ OH एच और एच ग्रुप लगे हुए हैं यहीं पर बदलाव है कहाँ पे क्यूनिडिन यानी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं सब जगह सेम ग्रुप होंगे केवल इनके ओरिएंटेशन में बदलाव है जैसे कि ये जो ओ एच OH ग्रुप आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन इस पेपर से अंदर की तरफ धसा दीजिए हाइड्रोजन जो है वो थोड़ी सी मोटी लाइन दिख रही है आपको मोटी लाइन का मतलब है हाइड्रोजन कहाँ है अबब द प्लेन हाइड्रोजन अबब द प्लेन है इस कार्बन पे और ओ एच OH कहाँ है बिलो द प्लेन है उसी तरीके से ये जो हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो बिलो द प्लेन एंड यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लाइन होनी चाहिए दैट सी एच सी एस टी जो सी एस टू जो विनाइल ग्रुप लगा हुआ है इट इज ऑल्सो बिलो द प्लेन बट कि क्यूनिन के केस में क्या होगा ये सब अबब द प्लेन होंगे यानी सी एच सी एस टू भी अबब द प्लेन होगा ओ OH जो है वो अबव द प्लेन होगा एच बिलो द प्लेन होगा और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा द प्लेन होगा यही अंतर है हमारे क्विनिन और क्यूनिडीन के स्ट्रक्चर में कहने का मतलब थ्री स्ट्रक्चर में बदलाव है ग्रुप्स में कोई अंतर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी क्विनिन से कई गुना ज़्यादा हमारी क्यूनिडीन जो ड्रग है जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा कार्डिक एक्शन जो है वो शो करती है ठीक है अब बात करें इसके और कुछ आ, आ, फर्दर फीचर्स की तो यहाँ पर इन दोनों ड्रग्स के अंदर हमको जो देखने को मिलता है क्यूनोलिन में खास करके वो यहाँ पर क्या है क्यूनोलिन रिंग सिस्टम है एक रिंग सिस्टम ये है इसके साथ ही साथ एक और रिंग सिस्टम लगा हुआ है दोनों जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक रिंग के तरीके से दिख रही है यहाँ पर जो रिंग है इस रिंग में आप देख रहे हो कि ये दो है मतलब कॉम्प्लेक्स है ये दो बार रिंग सिस्टम है एक तो ये सिंपल रिंग सिस्टम इसके बाद इस कार्बन से इस नाइट्रोजन के बीच में एक और रिंग लगी हुई है इसीलिए हम इसको कहते हैं बाईसाइक्लिक क्वी नेक्ली सॉरी न्यूक्ली डीन रिंग तो ये जो क्यू निकलीडीन रिंग लगी हुई है इट इज़ बाईसाइकिलिक क्योंकि यहाँ पे दो बार साइक्लिक रिंग लगा हुआ है कई किताबों में आपको अलग अलग तरीके से बना हुआ मिलेगा बट मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है इसलिए मैंने इस तरीके से लगाया है यहाँ पे इस रिंग और इस रिंग दोनों रिंग में जो नाइट्रोजन्स हैं बोथ आर बेसिक वंस बहुत ही बेसिक हैं नेचर में लेकिन इसमें से भी जो ये बाईसाइकिलिक क्यूनिकलीडीन रिंग का जो हमारा नाइट्रोजन है ये वाला नाइट्रोजन इट इज़ मोर बेसिक दैन दिस नाइट्रोजन और इसका पी वैल्यू करीब एलेवन के करीब आता है अब एक चीज़ और ख़ास है यहाँ पर ये यह जो हाइड्रोक्सिल मिथाइलिन ब्रिज है इसमें भी आपने देखा ओ एज ग्रुप की पोजीशन चेंज करने पर एक्टिविटी पर बदलाव आता है यहाँ तक कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की पोजीशन पे भी बदलाव करने से एक्टिविटी में क्या आता है बदलाव डिफरेंसेस आती हैं जैसे कि क्यूनिन और आपने क्यूनिडीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं यहाँ पर जो आप ये आ, मिथॉक्सी uh, ग्रुप देख रहे हैं और यहाँ पे जो विनाइलिन ग्रुप देख रहे हैं विनाइल ग्रुप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं एक्चुअली ड्रग के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं लीवर के अंदर ये जा कर के यहाँ पर जब भी क्या नाम है आप देख रहे हो यहाँ पे ओ OH, एच यानि एच इस पर जुड़ जाए इस हाइड्रोजन पर यहाँ पर ओ एच OH ग्रुप जुड़े यानी कि इसका हाइड्रोक्सीलेशन हो तो ये हमें कौन सी ड्रग देता है ऑक्सीडाईहाइड्रॉक्सी की यूनिडिन बनेगा आपके लीवर में जा कर के जो कि एक पोटेंट एक्शन अपना शो करेगा उसी तरीके से यहाँ पर जब इसका हाइड्रोक्सीलेशन करते हैं हम लोग तो हमको ऑर्थो सॉरी ऑक्स Uh, क्या नाम है और डाइमिथाइलिन क्यूनिडीन ऑप्टेन होता है जो कि लीवर के अंदर और दैट इज आल्सो एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ क्यूनिडीन ठीक है तो ये पोजीशनिंग जो दोनों है इनको हमको हटाना नहीं है ये दोनों ही दोनों मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर uh, सिमिलिटीज होने के बावजूद भी जैसा मैंने अभी कहा क्यूनिडीन और क्यून uh, की क्यूनिडीन जो है वो मोर इफेक्टिव है कार्डियक मसल्स के ऊपर डैंड क्यून यहाँ पर दो रिंग सिस्टम है दोनों में नाइट्रोजन है और दोनों, दोनों जो रिंग्स हैं उन दोनों रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन सिस्टम है जैसा कि अभी हमने आपको बताया बोथ जो जो आपके बेसिक नाइट्रोजन्स हैं जिसमें से यूनिट Uh, क्यूनिस निक्लीडीन uh, जो रिंग नाइट्रोजन है वो इट इज़ मोर बोसिक दैन द हमारा क्यूनोडिन नाइट्रोजन और इसकी वजह से जो हमारा क्यूनिडीन मॉलिक्यूल है इट इज़ वेरी बेसिक मॉलिक्यूल और इसलिए हम लोग इसको जब भी देते हैं वाटर सॉलिबल सॉल्ट फॉर्म में देते हैं जैसे कि uh, क्यूनिडीन सल्फेट क्यूनिडीन ग्लूकोनेट ई टी इसमें भी क्यूनिडिन क्युनेदी, uh, ग्लूकोनेट जो हमारी ड्रग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा फेवरेबल uh, uh, है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ये बेसिक uh, होने के साथ साथ जो है अगर ये वाटर सॉलबल सॉल्ट के फॉर्म में दी जाती हैं इसीलिए हम लोग इनको ओरली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं जबकि क्यूनिन का हम ओरली एडमिनिस्ट्रेशन uh, अच्छे से नहीं कर पा रहे थे बट इन रख का हम क्या कर पाते हैं ओरली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं यानी ओरल डोजे फॉर्म के रूप में इसको दे सकते हैं जो मिथॉक्सी ग्रुप है क्यूनोन में जैसा अभी मैंने कहा और आपका विनाइल ग्रुप है जो दूसरी सेकेंड से, लिंक पे ऊपर वो दोनों ही और ड्रग के मेटाबॉलिज्म में क्या करती हैं मदद करती हैं उनको मेटाबोलाइज होने में लीवर के अंदर मदद करती हैं अब बात करते हैं आज के दूसरे एग्जाम्पल की दैट इज uh, दूसरे एजेंट की दैट इज प्रोकेमाइड प्रोकेनामाइड जो है वो भी एक क्लास वन एंटीरेडमिक ड्रग है जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के तरीके से यूज की जाती है अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की तो जब इसको एवेल uh, किया गया इसके स्ट्रक्चर को एक्टिविटी uh, रिलेशनशिप को पढ़ने की कोशिश की गई तो एक चीज देखने को मिली कि ये प्रोकेन जैसा कुछ uh, इसका स्ट्रक्चर है यानी कि ये बायो आइसोस्टर है किसका प्रोकेन का और यो की प्रोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के तरीके से

यहां पर भी एक एनिलिन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है और यहां पे दो कार्बन की चेन है जहां पर डाई डाई सब्सिट्यूटेड हमारी डाई इथाइलिन सब्सिट्यूटेड अमीनो ग्रुप लगा हुआ है बट इन दोनों के कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है स्टर ग्रुप सी ओ ओ स्टर ग्रुप अगर इस, इस स्टर ग्रुप को जो कि एक आइसो स्टेरिक रिप्लेसमेंट किया जा सकता है किसके साथ एमाइड ग्रुप के साथ सी ओ एन एच सिंपली यहाँ पे ओ है यहाँ पे एनएच है बस इतना सा अंतर है यानी स्टर ग्रुप को अगर हम एमाइड ग्रुप के साथ क्या करें कन्वर्ट करें तो जो ड्रग मिलती है वो क्या है प्रोकेनामाइड इसको बदलने मात्र भर से क्या होता है देखिए क्या क्या चीज़ें बदलाव होने लगेंगी आपके इस छोटे से चेंज करने से स्ट्रक्चर में अगर हम स्टर ग्रुप को एमाइड ग्रुप से बदलते हैं प्रोटीन में तो वो हमको क्या देती है प्रोकेनामाइड ये जो स्मॉल चेंज है वो कन्वर्ट करता है लेस एक्टिव शॉर्ट ड्यूरेशन वाली एक्शन शो करने वाली प्रोकेन रख को वेरी इफेक्टिव प्रोकेनामाइड में यानी कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है और इसका जो एक्टिविटी है कार्ड, आ, आ, कार्डियक एक्टिविटी वो भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है एमाइड ग्रुप जो आप प्रोड्यूस करता है लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसके साथ ही साथ इसको हम ओरली दे सकते हैं ये ओरली एक्टिव हो जाती है और रेसिस्टेंट होती है क्यों ओरली देने से क्यों आप इसको ओरली दे पाते हैं

अगर हम जो कार्बन चेन बीच में है दो कार्बन चेन आपको दिख रही है यहां पे ये इस चेंज की बात कर रहे हैं इस लिंकेज की बात कर रहे हैं अगर इस लिंक में लिंकेज में अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं या घटाने की कोशिश करते हैं तो भी जो है एक्टिविटी पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है एक्टिविटी क्या होती है कम होती है और जो अगर डाई सब्सटिट्यूटेड जो ग्रुप लगाया सबसे लास्ट में हमारा जो कि इथ, इथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है अमीन ग्रुप वो इट इज़ ऑल्सो एसेंशल फॉर द एक्टिविटी अगर हम इसको हटाते हैं तो प्रोकेनामाइट की जो एंटी एरेदमिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है गड़बड़ होती है अगर उससे बड़ी चेन लगाते हैं या छोटी चेन लगाने की कोशिश मिथाइल ग्रुप लगाते हैं या प्रोपाइल या उससे बड़ा ग्रुप लगाने की कोशिश करते हैं तो एक्टिविटी पर निगेटिव इफेक्ट जो है वो आता है अब बात करते हैं हम अपने तीसरे आज के ड्रग की दैट इज डाइसो दाइस पैरामाइड डाइसो पैरामाइड का जो है सेंथिसिस कैसे करते हैं वो उसके सब कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था इसकी जो स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटी है मतलब बिल्कुल आ, अलग है प्रोकेनामाइड से लेकिन इफ इक्वली इफेक्टिव ड्रग है और इट इज़ आल्सो अ क्लास वन ए एंटी एजेंट जैसा कि हम लोग पिछली कई बार डिस्कस कर चुके हैं अब इसके साथ में बहुत कुछ बताने के लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ बता पाऊं पहली चीज ये हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था पिछले वीडियो में तब भी हमने कहा था कि ये एक आ, कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एमाइड ड्रग है जहां पर एमाइड ग्रुप है और ये सी ओ एच ग्रुप को हटा करके ओ OH एच ग्रुप को हटा के एन एसू लगा दैट इज एमाइड एक दो तीन चार जिसको हम ब्यूटामाइड चेन बोलते हैं और इस ब्यूटामाइड चेन के चौथे कार्बन के ऊपर हमने क्या रिप्लेसमेंट कर रखी है किसके साथ डाई आइसोप्रोपा अमीनो ग्रुप लगा रखा है और दूसरे नंबर पे ही एक हमारी फिनाइल रिंग और एक हमारी पैरिडीन रिंग जो है वो लगा रखी है अब देखिए कहां आप बदलाव करते हैं तो क्या हो सकता है एक बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च पेपर मुझको मिला और मैंने देखा उसमें कि अगर हम लोग इस एमाइड ग्रुप को जो कि सी ओ एन एस यू ग्रुप है इसको अगर हम लोग सेकेंडरी एमाइड ग्रुप या नाइट्राइल्स के साथ अगर रिप्लेस करते हैं तो कार्डियक एक्टिविटी यानी कि एंटी एरेडमिक एक्टिविटी पर तो इफ़ेक्ट निगेटिव पड़ता है कम होती है वो रिड्यूस हो सकती है एबॉलिश हो सकती है लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज़ लाइक एंटी कन्वसेंट एक्टिविटीज़ या फिर एनालसिक एक्टिविटी इस ड्रग की क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है कुछ कुछ ड्रग्स में कुछ और सब्सिट्यूशन करने के बाद नेक्स्ट दूसरा जो ये हमारा डाई आइसो प्रो, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है आप देख रहे हैं आइसो मतलब देख रहे हैं तीन कार्बन की चेन है दूसरे कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप है ये तीन कार्बन की चेन का नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है दो लगे हुए हैं इसलिए डाई आइसो प्रोफाइल अमीनो ग्रुप बोल रहे हैं इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एट पोजिशन नंबर फोर अगर हम इसको हटाते हैं रिप्लेस करते हैं तो एक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है सेम रिसर्च पेपर इज आल्सो सोइंग दैट कि अगर हम यहाँ पर कुछ स्मॉल लाइपोफिलिक रेसिड्यू लगाते हैं इस पूरे रिंग सिस्टम को हटा करके सॉरी इस पूरे जो हमारा अमीनो ग्रुप है इस पूरे अमीनो ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं विथ सम स्मॉलर लाइपोफिलिक रेसिड्यू तो ये भी क्या करता है हमारे कार्डियक सेफ्टी तो रहती है इस ड्रग में कार्डियक एक्टिविटी लेकिन कम हो जाती है और कुछ एंटी कन्वेंसेंट एक्टिविटी वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं ठीक नेक्स्ट ये जो पैरिडीम रिंग है इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते या फिर हम इसमें किसी प्रकार का कोई सब्सिटूशन करते हैं इस रिंग सिस्टम के ऊपर तो हमारी जो एक्टिविटी है कार्डियक कार्डियमिक एक्टिविटी वो क्या हो जाती है एंटी एडमिक एक्टिविटी जो हम कह रहे हैं वो कम होती है नेक्स्ट ये जो फिनाइल रिंग है इट शुड बी अनसब्सिट्यूटेड और इस पर किसी प्रकार का सब्सिट्यूशन अगर आप करते हैं तो फर्दर एंटी कन्वर्सेंट या कोई और एक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी लेकिन जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है वो कम होती है और यहाँ पर अगर हमको सब्सटूशन करना है तो कुछ जो एक्टिव ड्रग हमें प्राप्त होती हैं एक्टिव एजेंट्स कुछ अभी अंडर रिसर्च में है ये बट उस रिसर्च पेपर दो रिसर्च पेपर्स जो मिले मुझे उसमें उनको देखने को मिला तो पैरा पोजिशन पर कुछ सब्सटूशन uh, करने पर कार्डियक uh, एक्टिविटी पे तो नुकसान नुकसान है बट कुछ और एक्टिविटीज जो हैं वहाँ पर भी इंक्रीज होते हुए मिलेंगी तो ये है हमारा डाइसो दाइस, डाइसो का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसमें बात चीज़ सिर्फ इतनी है कि दूसरे पोजिशन पर ही यहाँ पर हमको सब्स्यूशन करना है तीसरे या चौथे पर हम नहीं करेंगे ये जो रिंग का सब्स्यूशन है डाई एरोमेटिक रिंग सिस्टम शुड भी अवेलेबल देयर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और ये जो आपका डाई आइसो प्रोफाइल अमीनो ग्रुप है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी विथ दिस एम आइड ग्रुप नहीं आगे बढ़ते हैं और कुछ यूजर्स की बात कर लेते हैं ये जो एंटी एरेडमिक एजेंट्स हैं ये तीनों के तीनों क्लास वन ए के अंतर्गत आते हैं क्लास वन इज सोडियम चैनल पर जो एक्ट करते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन सॉरी जो कि मार्ग टू मॉडरेट एक्शन शो करते हैं उनको हम शॉर्ट इनको uh, हम क्या कहते हैं वन ए कहते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन पर भी अपना एक्शन uh, शो करते हैं क्व्यूनिडिन जो है वो यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ आर्टियल फेब्रिलेशन आरटीएल फेब्रिलेशन का मतलब है कि जब हार्ट हार्ट रेट बढ़ रहा हो ड्यू टू दर्ट जो आर्टियल्स हैं वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बटिक वेंटिकल्स के साथ उसका क्या नहीं हो रहा कह सकते हैं आप कनेक्शन नहीं बन पा रहा या उसके साथ वो एक सिंकनाइजेशन नहीं कर पा रही है ठीक दूसरा हमारा जो वेंटिकुलर एडम है यानी कि वेंटिकुलर तरीके से हो या आर्टीकुलर तरीके से हो दोनों में ही हार्ट रीट जो है वो बढ़ रही है और काटे का हो रहा है उसको ठीक करने के लिए क्वेनिडीन का प्रयोग करते हैं क्यूटी सिंड्रोम भी सेम चीज़ है या इसको भी शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम जो है उसको ट्रीट करने के लिए क्वोनीडीन को हम लोग यूज़ करते हैं और क्योंकि ये सिंकोना बाग से मिलता है सबको मालूम है कि सिंकोना बाग का सबसे पहला प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए करते थे तो इसका कुछ उपयोग हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं प्रोकेनामाइड जो है इट इज़ ऑल्सो सप्रेस वेंटिकुलर एक्स्ट्रा सेशुअल्स जहाँ पर वेंटिकुलर जो है हार्ट जो है वेंटिकुलर तरीके से क्या होती है इंक्रीज करती है उसको सप्रेस करता है प्रॉक्सिमल वेंटिकुलर ट्राइक आ, ट्राइकार्डिया आ, को भी ये क्या करता है बड़ी हुई हार्ट बीट को उसको क्या करेगा आपके आ, कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकता है प्रोकेनामाइड इसके साथ ही साथ इट इज़ आल्सो यूजफुल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल करने में और मैनेजमेंट करने में आर्टियल साबुलेशन जैसा कि हमारा कम्यूनिडीन कर रही थी और प्री मेच्योर आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंटिकुलर एक्स्ट्रा सेशुअल का मतलब होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनमें प्री प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन हो रहा है उसी तरीके से आर्टियल में भी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन होते हैं और इन दोनों चीज़ों को वो कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रोकैनामाइड जो है वो काम आता है प्रोकैनामाइड और साथ ही साथ डाई सॉरी डाइसोपैरामाइड जो ड्रग है इट इज़ आल्सो सोइंग द सेम यूजेस एज पर द प्रोकैनामाइड ठीक है और एक चीज़ और देख सकते हैं कि डाइसोपैरामाइड जो है वो एंटीकोलिनर्जिक और कुछ लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर होती हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने आ, क्लास वन ए ड्रग्स जो आपके सेलेबस में है क्यूनिडीन प्रोकेनामाइड और डाइसोपैरामाइड इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की और इनके यूजेस को भी देखा अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा वीडियो अभी तक आपने देखा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं